हेलो फ्रेंड, मैं हूँ दाऊदार। आप देख रहे हैं यूट्यूब टेक्नोलॉजी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मेरा जो पोको X2 का कैमरा प्रॉब्लम था, मैं सर्विस सेंटर में दिया था, वो मेरा रिप्लेसमेंट होके आ चुका है। मैं आपको दिखाने के लिए इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोग बहुत कमेंट किए और मुझे पूछने वाले थे, हमारा वारंटी ख़त्म हो गया है, कैसे करेंगे, रिप्लेसमेंट होगा कि नहीं सर, बोल के पूछ रहे थे। मैं आज सभी लोगों का आंसर इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और आप इस वीडियो में सभी आंसर पा जाएंगे। अगर सभी का पोको X2 का प्रॉब्लम, कंपनी पोको कंपनी फ्री में आपको रिप्लेसमेंट करके पोको F1 देगा, और मोबाइल भी आपको मैं दिखाने वाला हूं, और किस तरह कैमरा क्वालिटी है आपको पिक भी दिखाने वाला हूं, और सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगर चैनल में नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट है और जो भी मेरे तरफ से आपको हेल्प मिल सकता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी तरह हेल्प करूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मोबाइल दिख रहा होगा, ये मेरा पोको X2 की रिप्लेसमेंट होके यहाँ पर पोको F1 मिल गया है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फिंगरप्रिंट भी बहुत ही फास्ट है पोको F1 का, और इसका बैक साइड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दो कैमरा है और पोको X2 में आपको चार कैमरा मिल रहा था। फिंगरप्रिंट साइड में था, अमाउंट साइड अमाउंट फिंगरप्रिंट यहाँ पर सेंटर में है, और फ्लैश लाइट यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पोको F1। मोबाइल थोड़ा छोटा है लेकिन पोको X2 से बहुत ही फास्ट है, और मैं इसको 3-4 दिन हो गया यूज कर रहा हूँ, लेकिन पोको X2 से स्लो चार्ज होता है। पोको X2 की चार्जर में भी स्लो चार्ज होता है, और चार्जिंग बैकअप पोको X2 से थोड़ा इसका कम है। हाँ, सभी प्रोसेसर सब तो आपको पता है पहले से ही, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 846 लगा हुआ है, यहाँ पर फास्ट वर्क करता है। फ्रंट कैमरा पोको X2 का भी, यहाँ पर इसका भी पोको F1 का भी 20 मेगापिक्सल है, और पोको X2 का भी 20 मेगापिक्सल था, और पीछे का पोको X2 का 64 मेगापिक्सल था, और यहाँ पर 12 मेगापिक्सल है, फिर भी इसका कैमरा बहुत ही अच्छा आता है। मुझे अच्छा लगा पोको X2 से। मैं सोच रहा था कि इसका कैमरा अच्छा नहीं आएगा तो कैसा होगा, मैं चेक किया, बहुत ही अच्छा आया। आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर गूगल का भी कैमरा यूज कर सकते हैं, गूगल कैमरा, और यहाँ पर बहुत ही सारा कैमरा यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक ही कमी लगा ये पोको F1 से, यहाँ पर वीडियो बनाते टाइम आपको स्टेबिलाईजर नहीं मिलेगा, उसके लिए वीडियो थोड़ा यहाँ पर सेकी होता है, इस तरह सेकी आएगा, उसके लिए आप ऐप यूज कर सकते हैं, अदर ऐप प्ले स्टोर से आप यूज कर सकते हैं। और मोबाइल बहुत फास्ट है, मोबाइल यहाँ पर अब बहुत ही फास्ट आपको ओपन करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मैं PUBG वगैरह सब यहाँ पर डाउनलोड कर लिया हूँ। मैं आपको फ्रंट कैमरा भी दिखा दूंगा, फ्रंट कैमरा पिक भी, और बैकग्राउंड ये वीडियो का भी आपको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, और आपको भी ये मोबाइल मिलेगा। आपको न्यू मोबाइल पोको X2 तो मिलेगा ही नहीं, मुझे सर्विस सेंटर में बोले थे कि स्टॉक नहीं है पोको X2 का, उसके लिए जैसा करके भी मुझे कैमरा चाहिए था, उसके लिए पोको F1 रिप्लेस करने के लिए मैं दे दिया पोको X2 को, रिप्लेसमेंट होके आ गया, पूरा नया आया है, और एक बबल रैप के साथ आपको एक छोटा सा बॉक्स में मोबाइल मिलेगा, विदाउट चार्जर, विदाउट USB, विदाउट यहाँ पर सिम का जो ओपन करते हैं उसको, उसके बिना ही मिलेगा आपको, और मोबाइल ही मिलेगा, और यहाँ पर सिम आपको लगाना है, पूरा ब्रांडेड यहाँ पर मुझे न्यू मिल गया है। और आप लोगों को भी न्यू पोको F1 मिल सकता है, आप कंपनी को कॉल कीजिए, कंप्लेन कीजिए, और नहीं होता है तो नहीं रिपेयर करने के बोले, या यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट नहीं देने के लिए बोल रहे हैं, तो आप कंज्यूमर केस भी कर सकते हैं। मैं पहले कंज्यूमर केस कर दिया, और उसके लिए कंपनी से मुझे कॉल आया या यहाँ पर फोन आया था, आपका मोबाइल फ्री में रिप्लेसमेंट कर देंगे, पोको F2 के जगह X2 के जगह हम यहाँ पर पोको F1 आपको मिल सकता है सर बोल के, तो मैं ये सबमिट कर दिया सर्विस सेंटर में, और चार्ज शीट लेके आ गया, और इसके बाद मुझे 5 या 6-7 दिन के बाद कॉल आया था, और मैं लेने गया था मोबाइल, और मुझे ये मोबाइल मिला है। आपको यहाँ पर भी सब अपडेट दिख जाएगा, यहाँ पर MIUI 12 ग्लोबल वर्जन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और आपका जितना आपका पोको X2 जितना रैम था उतना ही आपको यहाँ पर मिलेगा,
यहाँ पर मुझे 6 GB यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं सब, यहाँ पर 6 GB रैम और 128 GB मेमोरी आपको मिल जाएगा पोको F1 ऑक्टा प्रोसेसर, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, यहाँ पर टोटल डिटेल्स, यहाँ पर भी अपडेट वर्जन है, यहाँ पर भी मेमोरी आपको दिख जाएगा। मोबाइल पूरा सेम है लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा है और इसी में ही आपको काम चलाना पड़ेगा क्योंकि पोको X2 कंपनी वाले देने वाले नहीं है, क्योंकि मुझे सर्विस सेंटर से बोला है पोको X2 स्टॉक में नहीं है, पोको F1 आपको मिलेगा सर बोल दिए थे, उसके लिए मैं ये हाँ बोल दिया और उसको मोबाइल को सबमिट कर दिया। आपका मोबाइल एक बार भी रिपेयर हो गया है तो आपका मोबाइल रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा, और आपका मोबाइल एक बार भी ओपन नहीं हुआ है और वारंटी खत्म हो गया है तब भी आपको न्यू पोको F1 मिल सकता है। आपको बात करना पड़ेगा कंपनी के साथ, जब कॉल आया कंप्लेन करेंगे। और इस वीडियो के नीचे मैं आपको MI का एक कंप्लेन फॉर्म दे दूंगा ऑनलाइन फॉर्म, उसको फिलअप करके आपको सबमिट करना है, उसके बाद आपको कंपनी से कॉल आएगा, उसके बाद आपको कॉल करके बात करना है। मोबाइल बहुत ही अच्छा है, मैं यूज कर रहा हूँ और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन साइज थोड़ा छोटा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।